हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू अनदर ब्लॉग। और मैं हूँ कविता। तो मैं अपना ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं अभी नहा के आ गई हूँ और मैं नहा के ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मायके में हूँ तो कुछ भी तो काम करना नहीं है, नहा वहा के रेडी होके बस रहना है। और मम्मी खाना वाना बनाई है, तो मम्मी आज खाना बनाई है। क्या बनाई है दिखाएँगे आपको खाने समय। मैं उतना देखी नहीं, लेकिन पटल भूंज रही थी और केला काट रही थी। तो मैं अपना मोबाइल में वीडियो एडिटिंग ये सब कुछ कर रहे थे। और मैं उधर सोफा, मतलब बाहर वाला रूम है, उधर सोफा में बैठी हुई थी। तो मैं अभी नहा के आई हूँ और करंट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। कल रात को तो 1 बजे का बाद आया, उसके बाद भी लाइन आ रहा जा रहा है। और पता है इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो रहा, इतना मतलब करंट डिस्टर्ब कर रहा है कि इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हुआ है। आज सुबह भी इन्वर्टर चार्ज नहीं हुआ है। अभी भी मैं सोची कि इन्वर्टर चार्ज हुआ होगा तो मतलब ऑन कर रहे पंखा। नहा के आने के बाद तो ज़्यादा ही गर्मी लगता है, तो पंखा ऑन करेंगे सोच रहे, तो पंखा भी नहीं चल रहा है। और अभी भी करंट नहीं आया है, पता नहीं कब करंट आएगा। बहुत ज़्यादा करंट डिस्टर्ब कर रहा है। और मैं अभी बाहर में हूँ, मतलब नहा के थोड़ा सा इधर बाहर में थोड़ा अच्छा हवा आ रहा है। हम लोग का घर के बाहर तरफ इधर खुला है तो थोड़ा अच्छा हवा आ रहा, तो मैं इधर में आ गई हूँ। और मैं सोच रही उधर से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी है। मम्मी क्या क्या बनाई है सुबह में, तो मैं नाश्ता की थी भिंडी आलू भुजिया और रोटी, आप सबको नहीं दिखाई। मैं भूल जाती हूँ कि मुझे वीडियो मतलब बनाना है। मैं क्या ना से कुछ भी करते रहते हैं, कुछ मतलब टेंशन ही नहीं रहता है, टेंशन फ्री रहते हैं। तो इसीलिए मुझे कुछ याद ही नहीं रहा कि वीडियो करना, जब खाली है उसके बाद मुझे पता चला। तो मैं बोली कोई नहीं, बाद में मैं बता दूँगी और मैं कर लूँगी। तो देखेंगे मम्मी अभी लंच में क्या बनाई है। और अभी मम्मी बाहर तरफ है, सुई का कुछ काम हो रहा है बाहर में, आदमी लोगों भी आया है, बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है। तो वहाँ नर्स वगैरह आया है, सुई भी दिया जा रहा है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है, भीड़ हुआ है, बच्चे सब भी आए हैं, आवाज़ हो रहा है, तो इसीलिए मैं बाहर तरफ भी आ गई हूँ। तो आप सब बने रहिए ब्लॉग में। वो देखिए अभी मेरा भाई स्कूल से आ गया है और अभी स्कूल से आकर बैठा हुआ है। गर्मी लग रहा, करंट भी नहीं है। करंट आ गया भाई, भाई करंट आ गया। और अभी पापा भी आ गया दुकान से, भाई को लेके साथ में आए हैं ना, भाई और पापा साथ में आ गया। पंखा चलाओ। देखिए भाई स्कूल से आते के साथ ही मोबाइल पकड़ के कर रहा है, कपड़ा वपड़ा चेंज करेगा, नहाएगा, अपना फेस ढकने से क्या होगा। आते साथ देखिए मोबाइल पकड़ा और मोबाइल को लॉक करके जाता है कि मैं कुछ ना करूं, उसका मोबाइल छेड़छाड़। और देखिए आते साथ अभी मोबाइल पकड़ लिया है। चलो जाओ चेंज वेंज करो ना, चलो नहाओ। देखिए नहाने बोल रहे, नहा नहीं रहा है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा उसके बाद नहाएगा। देखिए गाइस मेरे हाथ में डिजिटल घड़ी, भाई अभी स्कूल से आया और आगे खोल दिया और मैं पहन ली। कैसा दिख रहा है कमेंट कीजिएगा। ये देखिए अभी 2:08 हो रहा, मैं अपना तरफ कर रही हूँ तो जल रहा है और दूसरी तरफ घुमा दे रही, तो ये देखिए ऑफ हो जा रहा है। अभी 2:08 हो रहा है, मैं पहली बार इसको पहन रही हूँ। भाई का है, कैसा लग रहा कमेंट कीजिएगा। और भाई बहुत बदमाशी कर रहा है कि मेरे को वीडियो बनाने नहीं दे रहा, नहा भी नहीं रहा है। अभी 2:08 हो गया, बोल रहे जाओ जल्दी नहा के आओ खाना खाएंगे, तो सुन भी नहीं रहा है और आके मेरे से परेशान कर रहा है मेरे को। ये देखिए लंच में है आज पटल भुजिया, केला भुजिया और बड़ा आलू का सब्जी। तो ठीक है मैं अभी लंच कर लेती हूँ, उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। मैं अभी छत जा रही हूँ कपड़ा उठाने के लिए, तभी मम्मी कपड़ा सब धोई थी बहुत सारा, उठाई नहीं, बहुत ज़्यादा धूप था। तो अभी धूप कम गया है, अभी 5:30 बज रहा है, तो मैं आ गई हूँ कपड़ा उठाने। और मम्मी नहीं है, मम्मी थोड़ा सा गई है काम से बाहर, आ जाएगी शाम तक, इसलिए मैं कपड़ा सब उठा लेती हूँ। सूख गया है, इतना ज़्यादा धूप है ना, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत जल्दी सूख जाता। मम्मी बहुत लेट से धोई, मम्मी यहाँ काम कर रही थी, जो आप सबको बोले कि सुई उई देने के लिए आया है, नर्स आया गया। मम्मी 1 बजे तरफ, हाँ 1 बजे तरफ लगभग कपड़ा धोई है, तो भी सूख गया है। और कितना सारा, और भाई का देखिए पूरा मोटा मोटा गेंजी सब है, वो ये सब भी सूख गया है बहुत ज़्यादा।
मोटा है तो अभी इतना ज़्यादा धूप है जो, तो ठीक है मैं अभी उठा लेती हूँ उसकी। और ये मम्मी का साड़ी, साड़ी छो, तो ठीक है मैं चलती हूँ घर। अभी मैं अकेले रहने वाली हूँ और भाई भी अभी ट्यूशन चल जा रहा है और मम्मी भी तो नहीं है। आप सबको बोलिए कि अभी मम्मी थोड़ी देर बाद आएगी, शायद 6:30 बज जाएगा, कितना देरी में आएगी पता नहीं। और अभी हम अकेले हो जाएंगे। और ये देखिए भाई अभी तैयार हो रहा है, अभी भाई ट्यूशन जाएगा, अभी ट्यूशन जाने वाला है, कंघी कर रहा है, ड्रेस व्रेस कर लिया है। साइकिल से जाएगा कि गाड़ी से पापा साथ? हाँ तो साइकिल नहीं है इसका, साइकिल पता है इसका ट्यूब, साइकिल का ट्यूब फट गया ट्यूशन जाते जाते आते आते ना, ओ हम सोचे जाते जाते, ये देखिए आते आते फट गया है। फिर पापा का दुकान में रख दिया है और अभी शायद पापा पहुँचा देंगे। पापा को बोलेगा ना कि तेरे फ्रेंड के साथ जाने वाला है, पापा के साथ अभी जाएगा, पापा पहुंचा देगा, फिर पापा लाने भी जाएंगे। और शायद आज इसका लास्ट ट्यूशन है और नहीं भी हो सकता है ट्यूशन, क्योंकि अभी तो मैट्रिक देने वाला है, अभी घर में ही पढ़ाई करना है, तो इसीलिए शायद आज लास्ट होने वाला है। क्योंकि उसका फ्रेंड अभी कॉल किया था तो बोल रहा था कि भाई का आज लास्ट ट्यूशन हो सकता है, इसको भी ठीक से मालूम नहीं है। और उसके बाद अभी ट्यूशन नहीं है और 26 तारीख से मैट्रिक का एग्ज़ाम है, अभी घर में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पढ़ाई का चाप है। अभी अभी सो के उठा, थोड़ा सा रेस्ट किया स्कूल से आके और अभी जा रहा है ट्यूशन। ये देखिए अभी जा रहा निकल के, रेडी हो के चप्पल पहन रहा है, सैंडल। ठीक है बाय बाय, जल्दी आना हाँ। हम लोग का डिनर करना हो गया है और डिनर करके अभी हम लोग बैठे हैं और डिनर में हम लोग रोटी और जो आलू बड़ा का सब्जी बनाया था वही खा लिए, वो रबर बच गया था, बहुत ज़्यादा था तो उसी के साथ हम लोग रोटी खा लिए। मम्मी बोल रही थी और कुछ भुजिया बना देंगे, तो मैं बोली कि नहीं कुछ नहीं बनाना होगा, गर्मी है कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो उसी से हम लोग सब खा लिए। और अभी हम लोग 10 बजे खाना खाए और अभी टाइम हो रहा है 10:45 बज रहा है और अभी हम यहाँ पर बैठे हैं और करंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है और हम अभी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो मम्मी भी आ गई कि क्या कर रही है बोल के। तो गाइस देखिए अभी मम्मी और भाई यहाँ पर आ गया मोबाइल में कुछ काम करने के लिए, मोबाइल में कुछ एंट्री करना है। और मैं अपना वीडियो और बड़ा नहीं करती हूँ, यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, गुड नाइट, बाय।